Very good afternoon, guys. Welcome all of you to India's largest online education platform. Yes, the name is Crystal Clear and Academy. So let's go ahead with this session and continue the temple architecture. Okay, so हम लोग जो अपने temple architecture में जैसे कि हमने नगाड़ा temple architecture अब तक देखा है, उसके बाद से हम Buddhist temple देख रहे थे और उसको करते करते हम लोग आगे आ चुके हैं. That is about the Jain temples. Okay, guys. So we were on to the Jain temples. So आगे बढ़ने से पहले सब clear है ना? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई भूत-भूत तो नहीं आया आज? All sorted? Yes, guys. ओके, चलो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को सलाम वालेकुम. हाउ आर यू सर? एकदम परफेक्ट, फाइन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. सवेरे थोड़ा सा लग रहा था कोरोना हो गया, लेकिन अब ठीक है. टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी आ रही है, बढ़िया है. ओके, यस सर, ऑल क्लियर. चलो ठीक है, तो हम देखते हैं अपने जैन टेम्पल्स के अंदर की आगे की कहानी को. ओके, सो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर. ओके, जैन टेम्पल इज नॉट अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इटसेल्फ. ओके, सो आप जैन टेम्पल, जैन आर्किटेक्चर को सिंपली कह सकते हो कि इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड, विच कैन बी कॉल्ड एज द ब्रांच ऑफ हिंदू प्लस बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है, जैन टेम्पल आर्किटेक्चर इज इक्वल टू हिंदू प्लस बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये तो हम चलो डिस्कस कर चुके थे, आगे उन पर चलते हैं. सो जो अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चर जो था, उसमें हमने देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को काट के बनाया जाता था, लेकिन बाद में लेटर जैन टेम्पल्स के अंदर हमने क्या देखा था कि नहीं, इसमें ब्रिक्स यानी कि ईटों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा. ओके, सो अर्लियर दो फेजेस में आप लिखोगे, अर्ली फेजेस एंड लेटर फेजेस. तो अर्ली फेजेस के अंदर सिंपल एक वर्ड में कि रॉक कट था, यानी कि पत्थरों को काट कर बनाते थे, लेटर में रॉक कट के साथ साथ ब्रिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा था. ठीक है, ओके गाइस, नोटेड, बहुत खूब. सर आप प्लस पर जो पढ़ाओगे वो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे क्या? आकांक्षा, आई गेस आपको ये सारी बातें सुमित सर ने बता दी है. ओके, सो एवरीथिंग विल बी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट देयर इन दैट सेशन इटसेल्फ. ओके, यस, गुड आफ्टरनून बॉस. चलो, सो अब देखो, द मेजॉरिटी ऑफ जैन टेम्पल्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री कोर बिल्डिंग एलिमेंट्स. ठीक है, जो जैन टेम्पल्स हैं उनमें तीन सबसे मेन चीजें होती हैं, वो कौन कौन सा है वो देखते हैं. सो सबसे पहला होता है द इमेज चैम्बर, दैट इज द गर्भगृह. ओके, एक तो गर्भगृह चलो होता ही है, दूसरा होता है हॉल मंडप, एक मंडप जिसमें जिसको हॉल बोला गया है. तीसरा होता है पॉर्च, पॉर्च बोले तो द्वार मंडप. मतलब कहने का मतलब यह कि अगर आप जैन टेम्पल्स कभी गए हो, किसी भी जैन टेम्पल में आप कभी गए हो या कभी जाओ, तो आपको तीन चीजें वहां पे नजर आएंगी. एक छोटा सा एंट्री गेट के टाइप, जब जहां पर आप एंट्री लोगे, ओके, जहां पे गेट से अंदर जब आप जाएंगे तो सीढ़ियों के आसपास ना मंदिर का भी एक छोटा सा डोर होगा. ओके, तो वो भी एक छोटा सा हॉल टाइप में होगा, दैट विल बी नोन एज पॉर्च. पॉर्च के अंदर आएगा मेन मंडप, दैट इज द हॉल, जिसको आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में क्या नाम दे रहे थे, चैत्य. ठीक, और बाकी हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, वंस अगेन सेम मंडप, जिसके दो नाम थे, पोर्टिको और कोलोनेडेड. ठीक है, अब देखो तीसरा सबसे मेन चीज क्या है यहां पे, गर्भगृह. तो गर्भगृह इट इज समथिंग विच इज कॉमन इन ईच एंड एवरी टेम्पल. ओके, गर्भगृह इट इज समथिंग विच इज कॉमन इन ईच एंड एवरी टेम्पल. ठीक है, चाहे वो हिंदू टेम्पल हो, चाहे वो बुद्धिस्ट टेम्पल हो, चाहे वो जैन टेम्पल हो, तीनों में गर्भगृह मिल ही रहा है आपको. ठीक, तो पॉर्च बोले तो बाहर का मंडप, बोले तो द्वार मंडप, हॉल मंडप, ठीक, हॉल का मतलब जो एक नॉर्मल जो मंडप है, और तीसरा है अपना चैम्बर, दैट इज द गर्भगृह. ओके गाइस, ऑल क्लियर एवरीवन? सर मैं तो छोटे से जा रही. हां जी जैन साहब, आप तो छोटे से ही जाएंगे, बिल्कुल. सर योर हेल्थ वॉज नॉट ओके एंड यू आर इन लाइक, यार मेरी जो हेल्थ है ना, ये मेरे साथ कभी कभी ना ऐसा छुपनछुप खेलती है. कैसा, ये सवेरे बीमार पड़ जाती है, दोपहर को एकदम फिट. ओके, शाम तक एकदम फिट एंड एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस. तो कभी कभी ऐसा होता है, वो दिस इज समथिंग विच इज वेयर यू नो फेस लाइक रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, कई बार इंसोमिया वगैरह आपको परेशान कर देता है, या कई बार जब हम आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन में होते हैं काम करने के, तो कई बार ऐसा होता है कि हम तीन तीन चार चार बजे तक काम कर रहे होते हैं और हम पाँच छः बजे तक उठ भी जाते हैं. सो हैंस एज अ रिजल्ट वो कई बार उसका आफ्टर इफेक्ट जो है बॉडी के नॉर्मल साइकिल पर देखने को मिलता है. सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, सच में इस चीज़ को मैं एज एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ,
एक ऑनेस्ट एक चीज बता रहा हूं आपको आपके इस स्टेटमेंट पे, एक बहुत ही यू नो ऑनेस्ट कन्फेशन. राइट नाउ हमारी जो गुरुकुल की जो टीम है ना, दिस टीम इज वर्किंग आउट ऑफ 24 आवर्स 20 आवर्स. लाइक टू बी यू नो, अभी आपको सुमित सर ने बताया है पूरे, क्योंकि हम प्लस प्रोग्राम को हमने जिस मतलब एकदम भव्य तरीके से लॉन्च किया, एकदम खतरनाक तरीके से, तो आप समझ ही रहे हो कि हमारा इस वक्त बर्डन कितना ज्यादा है, और वो भी आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ बर्डन सब कुछ आपके लिए ही है. ओके, सो उसमें ऐसा हो रहा है कि हम लोग 24 घंटे में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, पूरी टीम, नॉट ओनली जस्ट इंडिविजुअल एनी पर्सनैलिटी, बट दी होल टीम इज वर्किंग लाइक 24 आउट ऑफ 24 आवर्स 20 आवर्स अप्रॉक्स. राइट, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के नॉर्मल साइकिल पर देखने को मिलता है. बट नो वरीज, दैट्स आवर ड्यूटी एंड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड ड्यूटी कम्स फर्स्ट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो जो सवेरे जो तबीयत खराब लग रही थी ना, वो बस नींद ना पूरे पानी की वजह से थी. ठीक है, ओके, हाँ वो तो है, फिर से रिसाइकल होने लगना है ना सर. बिल्कुल रिसाइकल हो जाएंगे, एक दो दिन छुट्टी लेंगे, पूरा सिर्फ सोएंगे उसमें. ठीक है, खाली शांति से. थैंक यू सर, थैंक यू आयुष. ओके, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस. तो देखो, शुक्रिया नहीं चाहिए. ओके, शुक्रिया के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, वी डोंट वॉन्ट शुक्रिया. नहीं, काम किया, कौन सा काम, एग्जाम क्वालिफाई काम करने, एग्जाम क्वालिफाई करने वाला, तो बस वो कर लो यार, बाकी तो आपको पता ही है. दैट्स द अल्टीमेट थिंग, दैट इज द लास्ट गोल, दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू गाइस कैन गिफ्ट अस. ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लो, बाकी यार मौका ही मौका यार, 4 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, और क्या चाहिए. ठीक है, आपके साथ आपका प्लस कोर्स भी गुरुकुल लेकर आ रही है, उसमें अब और क्या चाहिए. ठीक है, तो हम जितना भी अपनी तरफ से जो लास्ट लेवल ऑफ एफर्ट दे सकते हैं, हम वो दे रहे हैं, द लास्ट लेवल ऑफ एफर्ट्स जिसे कह सकते हैं. मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ होगा, क्योंकि अगर 24 घंटे में मैं बोलूं कि मैं 20 घंटे जाकर काम कर रहा हूं, मैं क्या, हमारी पूरी टीम जो है, हम सब लोग काम कर रहे हैं. आपने सुमित सर की आंखें देखी हैं, वो खुद ही बयान किया है सब चीजें, कि दो दिन 48 घंटे से कोई बंदा सोया नहीं, 48 आवर्स, दिस इज समथिंग इनसेन. ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल इनसेन. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द लेवल ऑफ इंटेंस हार्ड वर्क वी आर अप टू. ओके, तो बस यही चीज आपको भी करनी है. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार तुम भी दो दो दिन तक सो मत, सो आराम से, आपको इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. आपका जो एक्सेस बर्डन है उसे हमने काट दिया है, बस आपको जितना पढ़ना है बस उतना करते रहिए. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देख लिया यहाँ पे आपने पोर्च, हॉल मंडप और इमेज चैम्बर, गर्भगृह वगैरह, तो ये हमारे जो है जैन टेम्पल्स के 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं. अब उसके बाद से देखो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट रेफर्ड टू एज अंतराल कैन ऑल्सो बी सीन लाइंग बिटवीन द इमेज चैम्बर एंड इट्स ऑल, बट ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, एक चौथा तत्व जिसे अंतराल के रूप में जाना जाता है, तो वो इमेज चैम्बर बोले तो छवि कक्ष, यानी कि बोले तो गर्भगृह और हॉल के बीच में जो है झूलता हुआ मिलेगा. झूठ बोलते हुए नहीं मिलेगा भाई, गलत ट्रांसलेट हो गया है, झूलता हुआ मतलब कि वहां पर रखा हुआ मिलेगा. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड, देन अंतराल इज वॉल अ स्मॉल वेस्टिब्यूल, ओके, अ स्पेस वेयर वर्शिपर्स कैन स्टैंड एंड गेज एट द आइकॉन और फॉलो रिचुअल्स कंडक्टेड विद इन द श्राइन. अभी ये याद ना हो तो मैं आपको बताता हूं अंतराल एक्चुअली में, अभी दिमाग में से ना छप जाएगा अंतराल वाला इलाका. ओके, सर हम भी वर्क हार्ड कर रहे हैं, वन डे स्टार कंधों पे जरूर चमकेगा, इंशाल्लाह जरूर चमकेगा, बहुत जल्दी चमकेगा. ओके, थैंक यू प्रगति, थैंक्स अ लॉट. सुषमा डियर डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स. ओके, आप अभी क्लास करिए. यस सर, श्योर इट विल हैपन. यस, रिजल्ट तो चाहिए सर, वन डे डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, बस रिजल्ट चाहिए. ठीक है, या तो रिजल्ट लेंगे या तो चलते पंखे में गर्दन. ठीक, आगे आपकी मर्जी. और मैं बता रहा हूं, ईरान न्यूक्लियर डील फेल होगी अगर, तो जितना भी ईरान के पास न्यूक्लियर है, यूरेनियम जितना भी उन्होंने नॉन एनरिच्ड यूरेनियम जितना भी रखा है, मैंने कॉल किया था कल शाम को, मैंने कहा दे रहे मेरे को भेज, ये लोग आजकल पढ़ लिख नहीं रहे, ले रहे आजकल बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले रहे भाई ये लोग, तो बर्डन बढ़ गया है मेरा ही. एक दिन में कम से कम 150 से 200 लोगों के नोट्स हैं, एसएमएस हैं, वो मैसेजेस हैं और क्वेरीज हैं, तो मैं रिस्पॉन्ड करते करते भी थोड़ा सा रिटार्ड हो जाता हूं. सो गाइज प्लीज, अगर आप लोग तक, वंस अगेन कल भी मैंने बोला था आज भी बोल रहा हूं, अगर आप लोगों तक अभी तक आपका जवाब नहीं पहुंचा है, तो डोंट वरी, ऐसा मत समझना कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं सर. अब क्या है, आप लोगों को मैंने ऐसा एक दिन टॉनिक दे दिया है, हम सब ने मिलकर, अभिषेक सर ने भी इधर से दे दिया, सुमित सर तो मान लो देते ही रहते हैं, तो उसका ना कुछ आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है. तो अभी मेरा जो, मेरे पास जो क्वेरीज जो आ रही हैं, जो मेरे पास जो हैं सारी चीजें रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो मतलब बहुत ज्यादा है.
ठीक है, तो मैं वन बाय वन एक दिन में एक टाइम में अपने फ्री शेड्यूल, मतलब फ्री शेड्यूल मेरा आज की डेट में है ही नहीं, जो मेरा फ्री शेड्यूल है वो मैं आप लोगों की क्वेरीज आंसर करने में दे रहा हूँ। तो जो भी मेरा फ्री शेड्यूल है, ठीक है, मतलब क्या शेड्यूल तो फ्री रहा ही नहीं कुछ, लेकिन जहाँ पर भी है मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वेरी थोड़ा जल्दी जो है बता दी जाए, कुछ बहुत अर्जेंट है, तो आप ज़रा लगातार दो तीन बार मैसेज कर दो तो आपका नाम ऊपर ही दिखाई दे मुझे, ठीक है, तो मे बी मैं आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, बाकी फ्लो में जैसे होता जा रहा है करता जा रहा हूँ। सो गाइज प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम गेटिंग बैक टू यू अ बिट लेट। ओके सर, यस, ओके, मिल गया जवाब, बहुत खूब। सर आपका चैलेंजिंग द चैलेंज देखा, थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सिलेक्शन हो गया, तुम लोग टेंशन मत लो। ओके सर, बिना तपे सोना फिर बनता है इसके। ओके करेक्ट, चलो सर मेरा क्लियर है 2021 का एग्जाम, 200% श्योरिटी, बिल्कुल 100%। चलते फैन में, ऐसा छोड़ो ये सब अभी। क्या करना है वो बाद में, क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी यहाँ देख लो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अंतराल की, तो ना मेरा ऐसा, मेरे को अंतराल अभी हाल ही में याद आया कि मैं इसको कहाँ रिलेट कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग में भी अभी तुरंत छप जाएगा कहाँ होता है ये अंतराल। तो मेरे को ना नींद नहीं आ रही थी ठीक से, तो मैंने सोचा क्या करें, कुछ एंटरटेनमेंट ही कर लेते हैं। तो मैंने सोचा अलाओ मूवी देखी, उसका नाम था पीके। तो पीके आप सब लोगों ने देखी होगी। तो पीके ना एक मूवी का, उसमें मूवी में सीन दिखाते हो, बड़े से एक मंदिर में जाते हैं पीके साहब हमारे, और वहां पर फूल माला वगैरह चढ़ाते हैं और दुआ मांगते हैं कि भाई हमारा काम, भगवान हमारा रिमोटवा कब मिली, है ना, खो गया है, कौनो चुरा ले गया है, हमके दिलवाई दो रिमोटवा, घर जाके है, ऐसे वो बोल रहा था पीके कुछ, मतलब मस्त खतरनाक तरीके से। तो वो कहां पर बोल रहा था, वो जिस एरिया में खड़ा था, वो ना मंडप था ना गर्भगृह था, वो जहां पर खड़ा था आप देख रहे हो, जहां पे पंडित जी उसको जो है फूलमाला वापस से दे भी देते हैं, ठीक है। तो वो जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोले तो दी अंतराल, ठीक है। कम ऑन गाइस, नाउ क्लियर, देखा है आपने वो सीन, याद ही होगा आपको, देखी है सर बहुत बार, बिल्कुल, तो वही है वेस्टिब्यूल, दैट इज अंतराल, ठीक है। अरे गुरुकुल तो रॉक कर ही रहा है, गुरुकुल के स्टूडेंट्स को रॉक करना है बस, ओके, और कुछ नहीं जी सर, ओके, ठीक है। तो जहां पर वो पीके वाला जो एरिया आपने जो देखा होगा, वो सीन जहां पर पीके साहब जो है भगवान से मांग रहे होते हैं मन्नत वगैरह, दुआ वगैरह कि भाई हमारा रिमोटवा दिलवाई दो, ठीक है, घर जाना है, तो बस उसी वाले एरिया को क्या बोलते हैं, अंतराल, ठीक। तो आगे देखो, द चैम्बर्स ऑफ दीज टेम्पल्स हैव पॉइंटी डोम्स एंड वेर एवर देर इज डोम द पिलर्स आर ओमिटेड टू क्रिएट एन ऑक्टागोनल स्पेस विद इन। ओके, जैन टेम्पल्स आर नोटेड फॉर द यूज ऑफ रिच मटेरियल लाइक मार्बल एंड ऑर्नामेंटेशन। तो चलो ये तो बहुत बट ऑब्वियसली बात है, जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है, तो मार्बल और ऑर्नामेंटेशन तो होंगे ही, ठीक। तो क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो जैन साहब लोग होते हैं वो होते हैं जैन साहब, ठीक है, तो उनको हम पहले ही सेठ मान लेते हैं। अगर हमने नाम के आगे से जैन लगा दिया तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे आप सेठ जी हैं, ठीक है। तो जैन टेम्पल जो है दैट इज ऑब्वियसली क्रिएटेड विथ मार्बल्स एंड ऑर्नामेंटेशन। अब उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है जरा उसको देख लो, द चैम्बर्स ऑफ दीज टेम्पल्स, ओके, द चैम्बर्स ऑफ दीज टेम्पल्स हैव डोम्स एंड इन डोम्स की खासियत क्या है, तो अगर आप इन डोम्स को यहां पर देख पा रहे हो, सो दे आर पॉइंटी इन नेचर, ओके, सो यू कैन सी दीज डोम्स हियर, दीज डोम्स दे आर टोटली पॉइंटेड अप, ओके, ये जो ऊपर ये जो डोम्स हैं ये पूरे के पूरे पॉइंटी हैं, ओके। अब ये किस शेप में दिख रहे हैं आपको, ऑक्टागनल शेप में, ओके, व्हाट इज द शेप, शेप इज ऑक्टागनल, द चैम्बर शेप, दे वो जो शेप क्रिएट करते हैं, कौन सा शेप है वो, ऑक्टागनल शेप, ओके, अष्टकोणीय शेप, ओके गाइस, सो प्लीज नोट डाउन, इट इज हैविंग पॉइंटी डोम्स फॉर श्योर, एंड यस, व्हिच काइंड ऑफ स्पेस, व्हिच काइंड ऑफ शेप दे आर क्रिएटिंग, एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग द ऑक्टागनल शेप, ओके, नोटेड गाइस, एवरीवन गुड। सर नहीं हम नहीं हैं, अरे सब हैं, क्या टेंशन है। सेठ का मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है, फॉर मी पर्सनली सेठ का मतलब, मैं अपने आप को सेठ मानता हूं, ठीक है, सेठ का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है, सेठ डजंट मींस दैट यू हैव मनी, ओके, सेठ मींस दैट यू हैव पर्सनालिटी, यू हैव एटीट्यूड, यू हैव यू नो माइंड, ब्रिलियंस, जीनियस, है ना, आप वो टोनी स्टार का जो डायलॉग है, जीनियस, रोमियो, करोड़पति, समाज सेवी, अगर आप ऐसा कुछ हो उसमें करोड़पति नहीं भी है तब भी आप सेठ हो, ठीक है, तो टेंशन ना लो, ठीक है।
सो हैव ब्रिलियंस, हैव बैलेंस इन माइंड, नॉट इन अकाउंट. ठीक है सर. यू ऑल गिव अ स्ट्रॉन्ग डोज ओनली वन डे एंड दैट डे वी आर रनिंग लाइक अ फुटबॉल एंड वी गेट ट्रिपल एनर्जी. हाँ बिल्कुल. चलो ठीक है. सो ऑक्टागोनल शेप, पॉइंटी चेम्बर्स एंड ऑल. नेक्स्ट पॉइंट, डोम्स और शिखर्स. ओके, द डोम्स और शिखर्स फॉर श्योर ऑन द टॉप आर यूजुअली स्मॉलर देन द वंस फाउंड इन द हिंदू टेम्पल्स. दीज मल्टीपल डोम पॉइंट्स रीचिंग टुवर्ड्स द स्काई गिव अ वेरी डिस्टिंक्ट अपीयरेंस टू अ जैन टेम्पल सिटीज. जैन टेम्पल्स हैव न्यूमरस पिलर्स हैविंग अ वेल डिजाइन स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ स्क्वायर. द स्क्वायर्स दस फॉर्म्ड क्रिएट चैम्पर्स और चैपल्स विच कंटेन्स द इमेज ऑफ देवी. ओके सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन. तो आपको बस ये ऊपर वाला पॉइंट दिमाग में रख लेना है और आपने किताब नोटबुक जहां पर भी आप लिख रहे हो. ओके, दिस पर्टिकुलर डोम्स दैट इज द शिखर ऑफ द जैन टेम्पल्स. डोम्स और द शिखर ऑफ द जैन टेम्पल्स, दे आर स्मॉलर. ओके, स्मॉलर एज कंपेयर टू द हिंदू टेम्पल्स. कहने का मतलब है अगर हिंदू टेम्पल में अगर हम बनाते हैं कुछ ऐसा शिखर यहां पर ऐसा होता है तो जो जैन टेम्पल होगा तो सबसे पहली चीज तो पॉइंटी होगा और साथ ही साथ इसका जो शिखर होगा ये हिंदू आर्किटेक्चर से छोटा होगा. ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस, दैट जैन टेम्पल द डोम द शिखर, ओके, इट इज स्मॉलर, यूजुअली स्मॉलर देन दैट ऑफ द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, देन दैट ऑफ द शिखर, शिखर या विमन से छोटा होगा जैन टेम्पल का शिखर. ठीक, अब देखो उसका, दीज मल्टीपल डोम्स पॉइंट्स रीचिंग टुवर्ड्स द स्काई गिव अ वेरी डिस्टिंक्ट अपीयरेंस. ओके फॉर श्योर पॉइंटी है तो आपको यहां पर ये दिख रहा होगा अगर आप इस स्ट्रक्चर को क्लियरली देख पा रहे हो. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक. ओके, बिकॉज एक ऑक्टागोनल शेप भी बन रहा है और साथ ही साथ आप देखो दो चीजें हैं जो आपको यहां पे कंफ्यूज कर देंगी कि सर अभी तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था ऑक्टागोनल कि ऑक्टागोनल, देखो ये जो पूरे ये जो डोम्स है ना इनका शेप ऑक्टागोनल हो रहा है, मतलब कि ये जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं दिस इज ऑक्टागोनल. लेकिन हम बात कर रहे हैं चेंबर्स की. ओके, दैट इज दिस पर्टिकुलर एरियाज. ओके, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर इन नेचर. द चेंबर्स आर स्क्वायर बट ये जो जितने भी यहां पे डोम्स या शिखर बने हुए हैं ये किस स्पेस में बने हुए हैं, किस एक पर्टिकुलर शेप में बने हैं, ऑक्टेगनल शेप में. ठीक है, सो गाइस जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज द पोर्च एरिया. ओके, दिस इज द पोर्च एरिया, ये बाहर का गेट है और यहां से लेके यहां तक वाला जो एरिया है ये है पोर्च और ये रहा अपना मंडप इस पर्टिकुलर एरिया में और ये यहां पर पीछे. ओके, ये होगा आपका गर्भगृह. ओके, इस मंदिर का. ओके गाइस, सो दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द आउटर मोस्ट गेट दैट इज कॉल्ड गोपुरम इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स. ठीक, अब ये जो गेट है यहां पर इसका स्पेसिफिकली कोई नाम तो नहीं है, तो ये जब अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो ये वाला पर्टिकुलर वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो जहां पर सीढ़ी वगैरह है दिस इज नोन एज पोर्च. ठीक, अब ये जो अंदर दूसरा वाला एरिया है दिस इज नोन एज द मंडप. ओके, द हॉल मंडप एंड लास्ट वन, ये जो सबसे बड़ा वाला यहां जो आप शिखर देख रहे हो पीछे, ओके, दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी नोन एज द गर्भगृह. ओके गाइस, ऑल क्लियर विद द जैन टेम्पल एवरीवन. सॉरी लेट हो गए. अरे बहुत लेट हो गए यार, कोई बात नहीं. Not only genius, royal too. अरे royalty तो हर इंसान में होनी चाहिए. Personality, attitude, and with great mind. Yes, that's known as set. Porch looks like toran, sir. Yes, dear. This gate is toran type. Okay. This particular area is this is porch. Okay. In this particular area, this is porch. This is gate. Okay. This looks like toran. ठीक है. तो इसको इसीलिए बोला जा रहा है ना कि बुद्धिस्ट प्लस हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर, इट इज इक्वल टू दी जैन टेंपल आर्किटेक्चर. तो ये अलग नहीं है कुछ, लेकिन दोनों के मिक्सचर से निकला हुआ एक टेंपल आर्किटेक्चर है. ठीक है, ओके एवरीवन, नाउ ऑल सॉर्टेड. सर प्रकार आ रहा है, जैन साहब सब आ रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हैं इतना. चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट.
सो जैन टेम्पल्स वर मोस्टली बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स और टेरेसेस, कॉमनली रेफर्ड टू एज जगती और वेदी, राइट? एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बना दिया जाता है. सो इवन रॉक कट केव टेम्पल्स हैव प्लेटफॉर्म्स. दिस वॉज डन टू एलिवेट द टेम्पल अबव द सराउंडिंग सर्फेस एंड क्रिएट अ डिस्टिंक्ट सेक्रेट एरिया. अब कहने का मतलब यह है, जो आपको यहां पर नोट डाउन कर लेना है, कि जो भी जैन टेम्पल्स हैं, ओके, जितने भी जैन टेम्पल्स हैं, वो सब किस पे बने हैं? वो सब बने हैं जगती पे. ओके, दे आर ऑल क्रिएटेड ऑन जगती. ठीक है, वॉट इज जगती नाउ? यस, फॉर श्योर, जगती इज समथिंग विच वी कॉल अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. ओके, रेज्ड प्लेटफॉर्म. तो इसी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना दिए गए हैं सारे के सारे जैन टेम्पल्स. अगर आप देखो तो इनका जो गर्भगृह, जो भी मंदिर वाला जो मेन एरिया है, वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है. दैट इज नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर पे. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट हैज टू बी शोन एज सुपीरियर थिंग. ओके, इट इज अ सुपीरियर थिंग, सो हेंस इट इज शोन ऑन एलिवेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल द हील्स. ठीक है, अब हील्स की जो कहानी है वो क्या है? हील्स क्यों पहना जाता है? आज के डेट में चलो हील्स फैशन है, ठीक, लेकिन हील्स का जो एक मतलब कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, वो कहां से निकल आया था? यूरोपियन किंग्स यूज टू वेयर हील्स. ओके, यूरोपियन किंग्स, दे यूज टू वेयर दिस हाई हील्स, द शूज एंड ऑल. ओके, व्हाई? बिकॉज दे हैड टू रिप्रेजेंट दिस थिंग दैट आई एम अ किंग एंड आई कैन नॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज ऑफ द नॉर्मल पर्सन, द नॉर्मल क्राउड. ओके, तो मुझे हील्स पहनना पड़ेगा. वही मास ऑफ द क्राउड, लीडर ऑफ द क्राउड, अलग वेपन. तो यहां पे अलग वेपन में क्या निकाल दिया उसने? चलो कपड़े अलग होते थे. ओके, अच्छा है. जो सिंहासन अगर आप देखोगे राजा का, तो कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है. बाहुबली का सिंहासन देख लो, बल्लाल देव जिसपे बैठते थे या शिवगामी देवी जिसपे बैठती थी, कभी ऐसा तो वो क्या नॉर्मल ऐसे सारे मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं, सारी जो है प्रजा इधर होती है और एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर बाहुबली बैठे होते हैं. तो सेम लाइक विद दैट, राजा भी जब पैदल चलता था तो उसको ऐसा लगता था ना कि नहीं, सेम लेवल पे हम चल रहे हैं. ठीक, तो अब सेम लेवल पे चलते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि अरे नहीं यार, हटाओ, हमें हील्स लेकर आओ. ठीक है, तो किसी जमाने में हील्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था. बाद में ये निकल कर आ गया, ये मेल फीमेल में डिवाइड हो गया, लेकिन आज भी देखो अलग ही हील्स की कहानी यही है. जो भी हील्स पहनता है वो यही बताता है कि हम तुमसे ऊपर हैं बेटा, संभल के रहना. ठीक है कमल, यार आपका ये क्वेश्चन कल ही बता दिया गया, फॉर श्योर बुद्धिस्ट ना? हाँ जी जैन साहब, डन, नाम ट्रांसफॉर्म्ड. चलो, यस, हील्स इज द साइन ऑफ रॉयलनेस एंड सुपीरियोरिटी. इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए. लड़कों के लिए भी कुछ होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होता है. चलो जाने दो, अब अंदर के इमोशंस बाहर नहीं लाऊंगा मैं. होता है, लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं कहता हूं वो तो बहुत सही चीज है, लेकिन कभी कभी यार जो मेल सप्रेशन है उसका भी ध्यान देना पड़ता है. देख लो, हील्स कपड़े वपड़े मैंने आपको स्पेशल क्लास के अंदर बताया भी है, कुछ नहीं है हमारे पास. मतलब फुटवेयर के नाम पे दो चीजें होती हैं, जूता सैंडल, कहानी खत्म. बस सैंडल भी कुछ नहीं, जूता बन नॉर्मल. यहाँ वैरायटी पे वैरायटी है, हील्स में पता नहीं 50 प्रकार के हील्स हैं. कपड़ों के नाम पे कुछ नहीं, एक जींस टी शर्ट, एक कुर्ता पजामा, एक कोट सूट, खत्म. इधर टी शर्ट में 50 वैरायटीज हो जाती हैं. यार ऐसे इक्वालिटी समाज बनाओगे तुम लोग? कुछ करो, या तो सबके कपड़े बराबर करो. ऐसा कुछ नहीं है, बस टी शर्ट शर्ट हो गया, बहुत बदल लिया, वेरिएशन लिया, कुर्ता पहन लिया उसके. मतलब यहां कुर्ते में भी 100 वेरिएशन है भाई, ऐसा नहीं चलेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, इसके ऊपर एक रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा. अरे बहुत इनइक्वालिटी है यार, ऐसे नहीं चलेगा दुनिया में. हील्स मेल भी पहनते थे क्या? देखो अश्रित, अब पूछ रहे हैं आप, बहुत खूब. हील्स बताया तो किस जमाने में राजा पहना करता था. ठीक है, तो ऐसा तुम लोग मतलब कैसा यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो? आगे इस बात को उठाना, संसद तक पहुंचाओ ये बात कि भाई इक्वालिटी समाज में मेंटेन करेंगे, लड़कों के लिए भी डिजाइनर कपड़े वगैरह अलग अलग से होने चाहिए. कुछ नहीं है यार, एक कुर्ता पजामा, कोट सूट, शेरवानी वगैरह, कहानी खत्म. यहाँ मतलब वेरिएशन पे वेरिएशन, मतलब जमाना मतलब पहने जा रहा है, पता नहीं ये इस टाइप का कपड़ा है, वो इस टाइप का कपड़ा है. मतलब लिटरली किसी जमाने मुझे पता था कि रंग साथ ही होते हैं. मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, हम लोगों को बताया गया 7 कलर्स. ओके, ग्रे, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, पिंक, ऐसा करके खत्म. यहां पता चला पिंक के अपने आप में 10 वेरिएशन हैं, ब्लैक में 10 वेरिएशन है, व्हाइट नहीं है, डार्क व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ग्रे व्हाइट, पता नहीं क्या क्या. तो ऐसा नहीं होता है ना, हमारे बारे में भी कुछ इक्वालिटी समझो. वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है,
लेकिन कुछ ना ना लड़कों के बारे में भी कभी कभी सोचना चाहिए यार। चलो कोई बात नहीं, जब सोचने की बारी आएगी तब जरूर सोचेंगे, अभी मंदिर पे चलते हैं हम लोग। ओके सो दिस इज द पॉइंट हियर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो जैन टेम्पल टेम्पल्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्री स्टैंडिंग हाई कंपाउंड वॉल्स कॉल्ड एज प्रकार। जैन साहब प्रकार के बारे में पूछ रहे थे आप, आ गया ठीक है। तो जो कंपाउंड वॉल्स हैं जैन टेम्पल्स की, यानी कि सबसे पहली चीज जैन टेम्पल्स में कंपाउंड वॉल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन टेम्पल्स में, ठीक। तो उसी तरीके से यहां पर, वहां पर तो कोई नाम नहीं दिया गया है, ओके साउथ इंडियन टेम्पल्स में बोले तो द्रविड़ा आर्किटेक्चर में कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहां नाम दिया गया है, नाम क्या है प्रकार। ओके सो स्ट्रक्चरली स्पीकिंग अ जैन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्क्वायर प्लान विथ ओपनिंग्स इन फोर कार्डिनल डायरेक्शंस each of which could lead to the image of तीर्थंकर। okay, संरचनात्मक रूप से जैन मंदिर चार प्रमुख दिशाओं में उद्घाटन के साथ एक वर्ग योजना पर बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक तीर्थंकर की छवि का कारण बनता है, ठीक है। so guys just understand this point, जैन temple is constructed on a square plan। आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे दशावतार temple की, तो वहां पे जो main temple था वो किस shape में था, come on guys, जब हम बात कर रहे थे दशावतार टेंपल की तो द मेन टेंपल वाज इन विच शेप। सर आप भी तो मूवी का डायलॉग, अरे यार वो डायलॉग रियलिटी है, ठीक है रणवीर सिंह यार, वो एक्सेप्शंस हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम जनरल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब भावुक नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर आप लोग हंसना वसना बंद हो गया है तो जरा इसका जवाब ववाब भी दे दो कुछ। ओके हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, चलो यार स्टेयर्स का कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके स्टेयर्स का एक्चुअली कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉडर्न डे आर्किटेक्चर में हम कुछ अलग कर दें तो बात अलग है, ओके कोई ऐसे अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यस मॉडर्न डे आर्किटेक्चर में जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो ये कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअली स्पेसिफाइड। कम ऑन गाइस, दशावतार टेम्पल की जब हम बात कर रहे थे तो मेन इट वॉज स्क्वायर, बहुत खूब बहुत खूब, यस तृप्ति इज राइट, ओके एंड जूमी इज राइट, शिशनदीप इज राइट, बाकी सब लोग अनिल, ओके यस इट्स रेक्टेंगुलर गाइस, द मेन श्राइन वॉज ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लिंथ, बाकी स्क्वायर पे था या नहीं था उसका फिक्स नहीं था, मेन श्राइन रेक्टेंगुलर पे था, यही करके आना, अच्छा है चलो ठीक। सो यहां पर जैन टेंपल की बात होगी, सो इट इज ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ओके जहां इसका जो ओपनिंग्स है ऑन अ स्क्वायर प्लान विथ ओपनिंग्स इन फोर डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में खोला गया है, जो इसको कहां अंदर की तरफ, किस एरिया की तरफ, किस इमेज की तरफ दिखाएगा, तीर्थंकर इमेज, ठीक। सो प्रकार क्या होता है, सो प्रकार इज नथिंग बट जस्ट द कंपाउंड वॉल्स, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से द्रविड़ा बोले तो साउथ इंडियन आर्क टेंपल आर्किटेक्चर में हम गोपुरम सॉरी कंपाउंड वॉल्स देखे थे या भी आगे और देखेंगे, उसी तरीके से जैन टेंपल्स के भी अपने कंपाउंड वॉल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है प्रकार, ठीक है ऑल क्लियर गाइस, रेक्टेंगुलर। चलो एजुकेशन मस्ट, यार नाइस डीपी, बेहतरीन, अच्छा लगा। सो नेक्स्ट, तो ये देखो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में कुछ चीजें हैं, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अभी इसमें कुछ और भी चीजें हैं देखने के लिए, बट फिलहाल कुछ एक इंपॉर्टेंट ना लोकेशंस देखनी है हमें, तो हम पहले उस पर चलते हैं, वापस से यहां पर आएंगे, बट आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू लोकेशंस विथ यू गाइज, ओके। और ये काफी इंटरेस्टिंग जगह है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, बिकॉज एज आई स्टेटेड that Buddhism, Jainism, one of the most favorite topics, okay, of UPSC. Buddhism, Jainism, one of the most favorite topics of UPSC. तो उस पर बातचीत करते हैं। So, famous Buddhist monasteries in India. अच्छा guys, देखो मैं आपको पहले inform करना भूल गया, I'm sorry about that. अगर आपके पास अभी पास में Atlas है, तो ठीक है, अगर अभी मार्क कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जरूर मार्क कर ले लोकेशन, इफ यू आर हैविंग इट राइट नाउ वेल एंड गुड, इफ नॉट देन डजंट मैटर्स, नो वरीज, आप बाद में इसका लोकेशन मार्क आउट जरूर कर लेना,
प्लीज बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये वो लोकेशंस हैं जो कि अब न्यूज में रहने लग गई हैं लगातार, खास तौर पे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर, इंडिया टिबेट रिलेशंस को लेकर, ये वो लोकेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू आर्ट एंड कल्चर, बट यस आर्ट एंड कल्चर के साथ हम आईआर भी तो पढ़ रहे हैं, आईआर के साथ हम पॉलिटी भी तो पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी तो पढ़ रहे हैं, तो सबका एक मिक्सचर लेकर चलना है। तो उसी में बता दूं मैं आपको, पढ़ अभी भी हम आर्ट एंड कल्चर ही रहे हैं, अभी एक बज रहा है, दिन का उजाला है, अभी हम धार्मिक हो जाते हैं, ठीक है, अभी हम लड़ाई झगड़ा मारपीट वर्ल्ड वॉर वगैरह इन सब की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी कुछ चीजें हैं जो आईआर से रिलेट कर देनी है हमने आर्ट एंड कल्चर में। सो देखो यहां पे द लोकेशन, द फर्स्ट वन, दिस इज द हेमिस मोनास्ट्री, सो इट इज अ टिबेटन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ओके, दैट इज द गोम्पा ऑफ द द्रुक्पा लिनेज इन द हेमिस लद्दाख इंडिया, सिचुएटेड 45 किलोमीटर साउथ ऑफ ले इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, and this monastery is famous for the annual festival of Guru Padma Sambhav which is held in June July. So guys, ab jo note karna hai, ab ye sir 45 km south towards Leh, are bhai guide nahi banna hai, tension na lo, theek hai, nahi sir 45 km aisa kaisa humne protector rakh ke aisa ghumana hai kya, aisa right ghumayenge tab jayega, aisa right left ghumayenge tab jayega, kahan jayega aisa nahi puchna, wo nahi karna hai aapko, theek, बस इतना देख लो यहां पे, इट इज अ टिबेटन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ठीक है, टिबेटन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहां पर है, लद्दाख में, सिंपल, ओके, क्या नाम है, हिमिस, कहां है, लद्दाख में, अब लद्दाख में है तो फॉर श्योर लेह के आसपास ही होगी, अगर लद्दाख में है तो लेह के आसपास ही होगी, नॉर्थ साउथ छोड़ दो, दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज इट इज नियर रिवर इंडस, ओके, इट इज नियर रिवर इंडस, ठीक है, वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, वेस्ट और साउथ छोड़ दो, ठीक है, बस इतना लिख लो, हिमिस इज नियरेस्ट टू द रिवर इंडस, ठीक, अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहां पर एक गुरु है, गुरु का नाम है पद्म संभव, इनका जो है फेस्टिवल मनाया जाता है किस महीने में, जून जुलाई में, मतलब अगले महीने ही मनाएंगे अब, ठीक है, गाइस प्लीज नोट डाउन, हिमिस जम अपना ले के अंदर, लद्दाख के अंदर, ले के पास फॉर श्योर, किस नदी के पास, इंडस नदी के पास, और क्या खासियत है, यहां पे गुरुजी हैं जिनका नाम है पद्म संभव, इनका जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जून जुलाई के टाइम पीरियड में, ठीक है, सर मुझे पिक लेनी है, बनानी है, क्या बनाना है भाई, किसकी पिक लेनी है, नो पूजा, ऑल द पार्ट्स आर ऑन द रेज प्लेटफॉर्म, ओके, ऑल द पार्ट्स आर ऑन द रेज प्लेटफॉर्म, एंड पॉइंट इज दिस इज नॉट जैन टेम्पल डियर, दिस इज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, अगर आप इसको जैन टेम्पल समझ रहे हैं तो प्लीज आप गलत समझ रहे हैं, दिस इज अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, इट इज नॉट अ टेम्पल, ठीक है, थैंक यू, चलो बहुत खूब, नोटेड, है सर टेबल पर ही रखते हैं ऑलवेज, क्या बात है, बहुत सही, तो भैया लिख लो, हिमिस दैट इज लद्दाख, ठीक है, नियर द इंडस, कौन से गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम है पद्म संभव, ठीक है, पद्म संभव, इनका फेस्टिवल मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। अब देखो दूसरा वाला है टाबो मोनास्ट्री, ओके, नाउ आई एम इन बिट ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये बहुत खूबसूरत जगह है यार, अगर नहीं घूमने गए हो तो एक बार यहाँ घूमने जाओ, जितने भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री साइट्स हैं, यू विल फील नेचर विद इन योर सेल्फ, ओके, सो इट्स ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग लोकेशन, सो गाइस प्लीज नोट दिस पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन द टाबो विलेज ऑफ स्पिति वैली हिमाचल प्रदेश, फाउंडेड इन 1996 CE इन द टिबेटन ईयर ऑफ द फायर एप बाय द टिबेटन बुद्धिस्ट लुत्सावा, जिसका असली नाम हो जाएगा ओके रिंचेन जैंगबो करके कुछ, ठीक है, सो बस इतना रिमेंबर रखने की, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हमें याद रखना है, दैट इज विथ रिगार्ड टू द हिमालयन किंगडम, ऑन बिहाफ ऑफ द किंग ऑफ वेस्टर्न हिमालयन किंगडम ऑफ गुजे, दैट इज येशे ओ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना सर लिखना क्या है, ठीक है, सो डोंट वरी, बस इतना लिखना है, टाबो मोनास्ट्री का लोकेशन क्या है, टाबो मोनास्ट्री का लोकेशन है स्पिति वैली, ओके, द स्पिति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसके जो फाउंडर है, मतलब जो किंग, इनका जो नाम दिया जाएगा यहां पर, तो बस एक ही नाम लिख लेना है आपको, टाबो मोनास्ट्री, ठीक है, स्पिति वैली एंड येशे ओ, किंग येशे ओ, ओके, दैट्स इट,
लोकेशन और मोनास्ट्री का नाम, किंग येशे ओ स्पिति वैली ताबो, ठीक है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना लेकिन जरूरी है। ऑल क्लियर गाइस एवरीवन। सर कैसे जाऊं, लॉकडाउन इज देयर विथ एग्जाम प्रेशर। तो जितने टाइम में आपका एग्जाम क्लियर होगा उतने टाइम में लॉकडाउन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फॉर श्योर। और फिर उसके बाद से आपको घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लवासना में आपको जो है भारत दर्शन टूर करवाएंगे, ठीक है। सो भारत दर्शन टूर भी चलेगा, उसमें पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, पूरा ये सब मोनेस्ट्रीज वगैरह देख लेंगे, ओके। सो गाइस प्लीज, हेमिस के बाद जो हमारा टाबो कहां पर है, स्पिति वैली में, और क्या नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द किंग येशे ओ, ठीक, किंग येशे ओ इन्होंने बनवाया था। अब दूसरा सुलग कंग, ओके। अब देखो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट नो वरीज, कोई बात नहीं। सुलग कंग, TSULGLAGKHANG, सुलग कंग मोनास्ट्री। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनास्ट्रीज ऑफ द बुद्धिस्ट पीपल। दिस इज द होम फॉर हिज होलीनेस दलाई लामा एंड इज सिचुएटेड इन मैक्लोडगंज सबर्ब ऑफ धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड ऑल्सो नोन एज दलाई लामास टेम्पल। यार ये वाला टॉपिक ना मेरे को उठाना नहीं था आज, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ यार, मेरे को मतलब आई मिस ऑल दीज एरियाज, पहाड़ और घूमना फिरना, मतलब बाइक राइड यार, मतलब बताओ पता नहीं कहाँ छूट गया वो। ऐसा कोरोना ने आफत मचाई ना, ये सब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सपना था क्या, कभी ऐसा हुआ भी था, लेकिन कोई नहीं हुआ था यार कभी। मैक्लोडगंज करके भी एक जगह है, बताओ कितनी खूबसूरत जगह है, धर्मशाला। नहीं करना था ऐसा कोरोना, गलत किया तुमने, शी तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मुझे लिटरली तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है आज ना, लिटरली। यस भारत दर्शन तो करेंगे ही, नोटेड एज वेल एज पॉइंटेड, क्या बात है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को आज शी पे गुस्सा आ रही है, ये मिल जाए मेरे को आज, बताता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, मैं अभी सुनाऊंगा, जी भर के सुनाऊंगा, ऐसा सुनाऊंगा मैं, बताओ यार कहाँ घूमने फिरने जाया करते थे, मतलब एक्सपेडिशन वगैरह सब बंद करवा दिया इसने कोरोना। चलो भैया लिख लो, मैक्लोडगंज में है। अब ये जो सुगलक कंग मोनास्ट्री है, इसको दलाई लामा का घर भी कहा जाता है, दलाई लामा जो है उनका टेम्पल है ये। सो प्लीज नोट डाउन गाइस, मैक्लोडगंज धर्मशाला, आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, ऑल इज वेल, ठीक है। चलो सर आ जाओ यहीं से क्लास ले लेना मेरे भाई, मुमकिन होता ना मैं अब तक वहीं पहुंचा होता, ठीक है। मैक्लोडगंज गए हैं सर, गई हूँ बिल्कुल यार, अच्छी बात है, जाना चाहिए, मैं तो वहीं पढ़ा रहता था छुट्टियों में, बहुत बेहतरीन जगह है, चलो जाने दो, कोई नहीं, जाएंगे फिर जाएंगे, कोरोना कभी तो निकलेगा। अभी दूसरा वाला देखो यहाँ पे, थिक्सी मोनेस्ट्री, ओके, द नेक्स्ट वन इज दी थिक्सी मोनास्ट्री। सो इट इज अ गोम्पा मोनास्ट्री एफिलिएटेड विद द गलुग सेक्शन ऑफ द टिबेटन बुद्धिज्म। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इन थिक्सी विलेज, अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लेह इन लद्दाख इंडिया। अभी समझ में आ रहा होगा आपको कितना खूबसूरत नजारा होगा यहां से थिक्सी का। सो इट इज नोटेड फॉर इट्स रिजेंबलेंस टू द पोटाला प्लेस इन लासा टिबेट। इट इज अ 12 स्टोरी कॉम्प्लेक्स एंड हाउसेस मेनी आइटम्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्ट सच एज स्तूपा, स्टैचूज, थंकास, वॉल पेंटिंग्स एंड स्वॉर्ड्स कैन बी सीन हियर। तो कहने का मतलब है यहां पर आपको जो लिखना है, अब पता नहीं यार मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं सारी बातें बोलने में, लेकिन आई एम फीलिंग लिटरली बस्टिंग इनसाइड, जाना है यार अब तो। देखो यहां पे लिख लो, थिक्सी कहां पर है, लद्दाख में, ओके, थिक्सी कहां पर है, लद्दाख में। और इसका जो रिजेंबलेंस है, इसका जो एक्चुअली में कनेक्शन है, वो एक दूसरे एक मोनास्ट्री से है, और इस मोनास्ट्री का नाम देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पोटाला पैलेस इन लासा दैट इज इन टिबेट। सो सिंपली अब आप समझ सकते हो टिबेट से इसको रिजेंबल करके बनाया गया है, तो आईआर और करंट इवेंट्स के अंदर आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ओके, आईआर और करंट इवेंट्स के अंदर ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। सो थिक्सी तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। सो थिक्सी विच इज हैविंग रिजेंबलेंस ऑफ पोटाला पैलेस, ओके, पोटाला पैलेस किधर है भाई अपना, ये है अपने लासा में, ओके, कहां है लासा, लासा टिबेट, ओके, क्लियर। सो बस इतना लिख लो, काफी होगा, बाकी इंफॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस दिस वन इज इंपॉर्टेंट, थिक्सी, थिक्सी बोले तो
लासा टिब्बेट, कौन सा पैलेस? पोटाला पैलेस। ओके नेक्स्ट तावांग। यार मैं नहीं कर पाऊंगा यार ऐसे, मतलब अब अरुणाचल भी घुमा रहे हैं यार आज ना, दिल एकदम ऐसा। शी जिनपिंग, कोरोना नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मतलब मिल जाओ बस तुम एक बार, क्या ही बताऊं। चलो नोटेड सर। सर मैं मछलो मैकलॉड से हूँ, आ जाओ। थैंक यू डियर, फिर सब नॉर्मल होन दो। वंडरफुल प्लेस, यस वेरी वेरी वंडरफुल प्लेस, क्या ही बोलूँ। अब ये शी मिल जाए ना मेरे को, फिर बात करूँ इससे। शी को जवाब देना पड़ेगा सर, व्हाट्सएप करना पड़ेगा इसको, सही बात है। अरे व्हाट्सएप करके क्या होगा रे, मुझे जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि कार्गो कंटेन जो जा रहा है ना, उसी में एक आध दिन निकल लूँ मैं। पर भाई तूने क्या कर रखा है जमाने को, दो साल से घर में यार नहीं जा रहे, कोई हिल्स पे घूमने कोई नहीं जा रहा है, इनसेन। अच्छा नहीं लग रहा है यार, नाम पढ़ पढ़ के इंसान अंदर से अंदर हो रहा है यार। बताओ वो भी एक दौर था, मन मेरा कहीं और था, हम घूमा करते थे। चलो कोई नहीं यार, तवांग मोनास्ट्री, इट इज लोकेटेड इन तवांग सिटी, तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पोटाला पैलेस इन लासा। ओके चलो भाई, खूबसूरत जगह है ये भी, लिख लो अब क्या ही बोलें। अरुणाचल प्रदेश, हाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट, भाई क्या मतलब जगह है। लेकिन अब गूगल इमेजेस में देख सकते हैं या पुरानी फोटोज में, एल्बम ऐसे स्लाइड करते जाओ, ढूंढते जाओ, मिल जाएंगी। ठीक है, बस वही कर सकते हैं, लिविंग इन द मेमोरीज। तो वो ऐसा दौर है, अब लगता है कि पता नहीं एक कॉलोनी से निकल कर आज डेट में दूसरे कॉलोनी नहीं जा पा रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं तवांग खिमसी वगैरह घूमने का, हेमिस वगैरह घूमने का, लद्दाख वगैरह, स्पीति वैली। चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है। तो भाई नोट कर लो, इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तवांग रीजन में। क्या नाम है? यस तवांग मोनेस्ट्री। और दुनिया का सबसे बड़ा वाला मोनेस्ट्री कौन सा है? तो इट इज यस द पोटाला पैलेस लासा टिबेट। ठीक है एवरीवन, क्लियर? जूम वीडियो कॉल करो तो सर अपने सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर, फिर बेचारे को जाने दो यार। सर गेटिंग इमोशनल, टू इमोशनल। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ गया, अब इतने दिनों से सहन कर रहे थे। अरे सहन कर रहे थे यार, अब ये जो एरियाज हैं इनसे ना बड़ा पुराना रिश्ता है ना, इनसे जो है बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत घूमने फिरने वाला जो है, जमाने वाले जो दिन हुआ करते थे घूमने फिरने के, ये वो वाले लोकेशंस हैं। और ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे जाने के लिए टूर या प्लान वगैरह नहीं करना होता था, टाइम मिला पहुँच गया बंदा तुरंत, टुक द ट्रेन, टुक द फ्लाइट, टुक द कार, टुक द बाइक, कुछ भी निकल लिया। लेकिन अभी कैसा है, कुछ टुक टुक कर ही नहीं सकते, टुक टुक करके घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, नो टुक, ओनली सिट इनसाइड योर होम। शी जिनपिंग, आई डोंट नो वेर आर यू, वेर एवर यू आर आई विल फाइंड यू एंड देन आई डोंट नो वट टू डू। चलो तो पोटाला पैलेस लासा टिबेट, लार्जेस्ट इंडिया में तवांग। चलो अभी कोई हंसना मत यार, जाने दो, शी जिनपिंग को बात करेंगे हम लोग बाद में इनसे कि क्यों कोरोना लेकर आई है। अब देखो दूसरा वाला और अच्छी जगह है ये, बायला कुप्पे मोनास्ट्री। ओके बायला कुप्पे मोनास्ट्री, लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ निग्मा लीनेज ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द बायलाकुप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर स्टेट ऑफ कर्नाटका, मैसूर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कहने का मतलब ये है, सिंपली बस एक नाम लिख लो, दूसरा द बायलाकुप्पे मोनास्ट्री, किससे उनका लिनिएशन है किससे नहीं है वो आपके लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म, आप अपना जब भक्ति सूफी पढ़ोगे ओके तो होंगपा और उसके बाद से यहाँ पर ये जो नाम लिखा है यहाँ पे निग्मा वगैरह ये सब आप पढ़ोगे फॉर श्योर, लेकिन अभी उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बुद्धिज्म और सूफिज्म में भी उसकी इतनी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो बहुत इन डिटेल सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं बुद्धिज्म के। सो हमें बुद्धिज्म के ऊपर उतना भी जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नाम लिख लेते हैं बायलाकुप्पा। ओके वेयर इज बायलाकुप्पा? यस इन कर्नाटका। ओके मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके गाइस, तो बस नोट डाउन कर लो, क्या है बायलाकुप्पा मोनास्ट्री, बोले तो कहां पर? मैसूर। कहां पे? कर्नाटका। सो दिस मोनास्ट्री इज होम टू अ संघ कम्युनिटी ऑफ ओवर 5000 लामास, दैट इज दलाई लामा के जो दूसरे असिस्टेंट्स होते हैं। देन इट इज द लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर ऑफ निग्मा लिनेज ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म विद अ जूनियर हाई स्कूल नेम्ड यशी वोटसल शेरब रलद्री लिंग।
ओके, रिलीजियस कॉलेज और शिद्र फॉर बोथ मॉन्क्स एंड नंस एंड हॉस्पिटल्स. अभी बोलोगे सर ये याद रखना जरूरी है क्या, तो भाई आई एम सॉरी भाइयों बहनों, आई एम सॉरी लेकिन हाँ याद रखना जरूरी है. ठीक है, नाम एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इसको लिख लें आप लोग. ओके, ये नाम कभी ऐसे नहीं आएगा प्रीलिम्स में कि ये क्या, मतलब बताओ ये कौन सा एरिया और इसका नाम क्या है. ठीक है, तो नाम एक बार लिख जरूर लो, दैट इज यशे वोदसल शेरब रल्द्री लिंक. ओके, वॉट इज इट, इट इज अ कॉलेज प्लस हॉस्पिटल. ओके, फॉर द मॉन्क्स एंड ऑल. ओके, इट इज अ रिलीजियस कॉलेज प्लस हॉस्पिटल, लाइक फॉर एग्जाम्पल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU. सो इट इज अ कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल. ठीक है, इट इज अ कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल. तो उसी तरीके से अपना जो वोत्सल शेरब है, बस एक नाम याद रख लो, वोत्सल शेरब, पूरा नाम इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वोत्सल शेरब, व्हाट्स दैट, अ कॉलेज अ हॉस्पिटल वेयर इट इज लोकेटेड, बायलाकुप्पा मोनास्ट्री. ठीक है, नाउ वन मोर, दैट इज शासुर, शासुर मोनास्ट्री. नाउ वेयर इट इज अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द्रुक्पा सेक्ट इन लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया, बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय लामदेव ग्याक्षो ऑफ जंस्कर, हु वॉज अ मिशनरी ऑफ नवंग नामग्याल, द किंग ऑफ भूटान. अभी बोलोगे सर ये सब भी याद रखना है, नहीं, डोंट वरी, रिलैक्स. ठीक है, वो पिछला वाला काफी था, ये इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना आपको शाशुर, ये भी कहां पर है, इट इज ऑल्सो इन द स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट्स इट विद द लोकेशंस. ओके गाइस, क्लियर? OMG सर कैसे याद रखें, आज से ही खैर नहीं, शी तो गया, एकदम गया, अब तो भाई नॉस्टैल्जिया पे ले आया मेरे को, अब नहीं छोड़ेंगे इसको. ठीक है, तवंग गए हैं, सच अ ब्यूटीफुल, बिल्कुल बहुत. ओके गाइस, क्लियर? शाशुर कहां पर है, तो शाशुर इट इज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट्स इट, इतना नाम काफी होगा. सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड द लोकेशंस, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि इन लोकेशंस को याद रखेंगे और इनको आप प्लीज जरूरी से याद से इसको आप अपने मैप में डिनोट कर लोगे. ओके, ये मैप से बाहर नहीं जाना चाहिए, इन सभी लोकेशंस को मैप में नोट होना है, मैंडेटरी है एट एनी कॉस्ट. ठीक है, स्पीति जाएंगे सर एक्सपेडिशन पे, तैयार हूँ भाई, मैं सदियों से तैयार बैठा हूँ मैं तो, बस अब ये शी मिल जाए मेरे को कहीं पे, बताता हूँ इसको मैं. ओके गाइज, ऑल क्लियर विद द लोकेशंस एंड ऑल एवरीथिंग. सर बुक का नाम बता दीजिए ना, किस बुक का नाम बताऊं, बताइए कौन सी बुक का नाम बताऊं, जल्दी, बड़ा अच्छा है सवाल, बुक का नाम बता दीजिए. तो बुक का नाम है 2 स्टेट्स, बुक का नाम है 5.1, बुक का नाम है, और जैसा वो दूसरा आया था 1 Night at the Call Center, कौन सी बुक का नाम बताऊं. सर डिफरेंस बिटवीन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज, यार टेम्पल मंदिर होता है, मोनास्ट्री जो है एक उसके अंदर मंदिर होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे जो मॉन्क्स हैं, ये जो भिक्षु लोग हैं वो रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनास्ट्री. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ओके, तो ऐसा बोलो ना भाई, आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसका नाम है प्रवीण सर के क्लास नोट्स. ठीक है, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा. ठीक है, इसके अलावा कोई बुक आपको खरीद के पढ़नी है तो अगर आप चाहें तो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी उसकी जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर क्लासेस कंप्लीट कर लो, सारे नोट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद बुक पढ़ना जरूरत लगी तो, और एल्स आई अश्योर यू जरूरत वैसे तो नहीं पढ़नी चाहिए. ठीक है, ओके गाइज, ऑल क्लियर. बायलाकुप्पा मोनास्ट्री कुछ नहीं है डियर, बस सिंपल, इट्स अवेलेबल, इट्स इन द मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ओके, वो एक हॉस्पिटल भी है, वो मतलब एक मोनास्ट्री तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक स्कूल भी है और एक हॉस्पिटल भी है, बस इतना, और कुछ नहीं लिखना उसमें. ठीक है, ओके गाइस, टेंपल में तो पंडित लोग रहते हैं सर, तो मैंने कब मना किया, टेंपल में कोई नहीं रहता है. ठीक है, मंदिर में कहां, किस पंडित को आपने मंदिर में रहते देखा है, बताओ मेरे को, कौन सा टेंपल है जहां पर मंदिर, जहां पर कोई पंडित रहता है, वो अपने घर में रहता है भाई, टेंपल में कोई नहीं रहता है, टेंपल में खाली भगवान की मूर्ति है और कुछ नहीं है. मोनास्ट्री यानी कि मॉन्क्स के रहने की जगह, टेंपल में कहीं कोई नहीं रहता,
ठीक है, डोंट जस्ट मिसअंडरस्टूड द पॉइंट्स. मैंने तो पिक्चर भी बना लिया नोट्स में, ये अच्छा नहीं किया, नहीं देखना मुझे वो पिक्चर. यस सर ट्रू, यही लिख रहे हैं और यही पढ़ना है, एब्सोल्युटली. बस सर ये कैसे याद करें मोनास्ट्रीज? मेरे भाई सिंपल तो है यार, लोकेशन ही तो है, मोनास्ट्रीज का ज़्यादा डिटेल में तो जाना नहीं है, लोकेशन ही तो है. यस बिल्कुल, पीसी सर का क्लास और कुछ नहीं, बाकी सब यही हो जाएगा. ठीक है, इस्कॉन इज अ मोनास्ट्री, यस यू कैन से दैट. इस्कॉन देखो दो चीज़ है ना, इस्कॉन एक तरफ मंदिर है और उसके पीछे उन्होंने घर भी बना रखे हैं अपने पंडितों के लिए, अपने जो उनके जो मॉन्क्स हैं उनके लिए. ठीक, तो इस्कॉन इज समथिंग विच इज अ मॉडर्न डे आर्किटेक्चर. देखो मैंने हजार बार आप लोगों को ये बात समझाई है कि आप लोग ना क्लासिकल और मॉडर्न आर्किटेक्चर को मिक्स कर देते हो यार. मॉडर्न डे आर्किटेक्चर का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे भी बना दिए जाते हैं. अगर आप आज की डेट में मौजूदा मंदिरों में जाओगे तो आपको क्या वहां पर कंपाउंड वॉल नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, जो आज के बने हुए हैं. बाहर दीवार होगा, गेट भी होगा, गोपुरम होगा. कहोगे सर ये तो नॉर्थ में है, इनमें गेट कैसे है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में क्लासिकल टेंपल्स की. अब अगर मैं आज सामने मेरे को बाहर कोई खाली कमरा मिल गया, उसमें मैंने मंदिर बना दिया, मूर्ति की स्थापना कर दी, तो वो भी मंदिर हो गया. अब आप पूछोगे सर ये किस टाइप का आर्किटेक्चर है, ये है क्या? तो कुछ नहीं यार, वो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर है, वो मॉडर्न डे साइंस एंड टेक पे बना है, उसका हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, कई मंदिरों में तो गर्भगृह भी नहीं होता है, सीधा बस एक चार एक दीवार होती है, चार मुरूस होते हैं, ठीक बीच में जो है मूर्ति की स्थापना करी जाती है, बस कहानी खत्म. अब बोलोगे सर इसमें पोर्टिको नहीं आया, कॉलोनेटेड मंडप नहीं आया, शिखर नहीं आया, विमन नहीं आया. ओके, सो जो इस्कॉन है याद रखिएगा, इट इज नॉट अ क्लासिकल टेम्पल, इट इज अ मॉडर्न डे आर्किटेक्चर. तो मॉडर्न डे आर्किटेक्चर में हम ये सारी चीजें नहीं ढूंढे पाएंगे. ओके क्लियर गाइज, दे आर नॉट ओनली पंडित, दे आर जी सर समझ गए अच्छे से, गुड. ओके ओके गाइस, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर, नथिंग टू वरी अबाउट. ये सारी चीजें देखो लोकेशंस हैं. अभी कुछ और भी चीजें हमारे को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर जानने के लिए, तो उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट नॉट टुडे. सो मेजर चीजें जो थी जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, वो हमने कवर कर ली हैं फॉर श्योर विद वेरी यू नो ब्रिलियंट स्टेटमेंट्स एंड ऑल, विद वेरी ब्रिलियंट पॉइंट्स विच आर टू बी नोटेड, एंड विच आर टू बी नोटेड नॉट जस्ट ऑन योर पीस ऑफ पेपर बट इस वाले ऑर्गन के अंदर भी. ऐसा पानी में मिलाने का वो जहां पे भी लिखा है, ऐसा मस्त घोल के ऐसा पी जाने का, लिटरली ऐसा कर मत लेना, तबीयत खराब हो जाएगी. कहने का मतलब है कि जो लिखा है उसको पढ़ना है, याद करना है, माइंड मैप्स वगैरह बनाना है. बहुत सारे लोगों का ये सवाल निकल कर रहता है सर याद कैसे करें, यार तुमको कोई याद करना कैसे सिखा सकता है? हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि सर याद कैसे करें? अब यार ये चीज कोई किसी को नहीं बता सकता है कि याद कैसे करना होता है, ये आपका अपना इंटेलेक्ट होता है. इतना ज्यादा डिपेंडेंसी मत दिखाओ हर चीज पर कि मुझे याद भी तुम करवाओगे, मैं कैसे तुम्हें याद करवाऊं? आप बताओ, मैं बैठूं, अब आप बच्चों एलकेजी यूकेजी के, कि मैं आपके साथ बैठूं, आपकी नोटबुक लेके आपको रटवाऊं, लिखो बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ ऐसा करके नहीं चलेगा ना. आप याद कैसे करना ये आप डिसाइड करोगे यार, ये कोई नहीं बता सकता. बताया मैंने टेक्निक, बताया एक दिन में एक चीज के बारे में पढ़ो, माइंड मैप बनाओ, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के अपने जो है जहां पर भी बैठ के पढ़ रहे हो वगैरह, जो भी आपका स्टडी स्पेस है वहां पर चिपका लो. राइट, सो याद कैसे करना है गाइज, ये ऐसा सवाल है जो कि बहुत खतरनाक सवाल है, पॉसिबल ही नहीं है. ओके सर कुछ तो ये कर भी लेंगे, घोल के पी लेना भैया मत करना, ठीक है तबीयत खराब हो जानी है, अपनी अपने रिस्क पर करना. ठीक है, ओके ओके गाइज, सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, डू नॉट आस्क कि याद कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है याद कैसे करना है, वो आप ही बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता. बिकॉज हाई स्कूल में पढ़ रहे होते तब भी शायद मैं तुमसे ये बात डिस्कस कर लेता कि हाँ यार हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं पता याद कैसे करना है, तुम हाई स्कूल से तो बाहर निकल ही चुके हो कम से कम. ठीक, तो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली, और हाँ अभी जाना नहीं सुनकर जाना. सो गाइज यू कैन सी हियर द इमेजेस बैक साइड हियर, the top educators of this nation for sure they are only. okay, to yahan par aapke paas aaya hai 4-in-1 offer, never again and never before.
सो यहाँ पे क्या है, प्रिंटेड नोट्स वर्थ INR 10,000. उसके बाद से यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज 25% + 10% ऑफ योर डिस्काउंट, दैट इज इन टोटल 35% ऑन डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन ऑन ऑल ऑफ द पैकेजेस यू हैव. फिर एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पर इंडिया बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC जो यहाँ पर चल रहा है, दैट इज वी हैव डेली इन पर्सन डाउट सॉल्विंग, डेली AMA सेशंस, UPSC अटेंडेड, UPSC इंटरव्यू अटेंडेड कोचेज वी हैव, देन कम्युनिटी ऑफ हाईली पोटेंशियल एस्पिरेंट्स. सो गाइज, दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वही है. ठीक, सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स. वी हैव गॉट टू ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफर्स विद अस, दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक. तो आइकॉनिक के अंदर हमारे पास जो नया होता है वो हमारा पर्सनल कोच होता है और मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट्स होते हैं. सो यू कैन चूज एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर विश एंड ऑल. बट आपको पता ही है, हमेशा बोलता हूँ, रोज एक बात बोलता हूँ कि यार आपको बेस्ट वेपन की जरूरत है, एंड दिस इज समथिंग विच आर द बेस्ट वेपन. सो डू नॉट लूज आउट दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी कॉस्ट. लूज करोगे आपके ऊपर है, लूज नहीं करोगे वो भी आपके ऊपर है. बिकॉज बोला हूं मैंने आपसे ना कि सोशल सर्विस कर लेना, पहले सिविल सर्विस कर लो, दूसरों का भला बाद में सोच लेना, पहले अपना भला सोच लो. तो पहले अपने आप को हर चीज के लिए तैयार कर लो, और वो ये चीज है यहां पर. ठीक है, सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वेरी ब्रिलियंटली एंड केयरफुली. सी यू इन इवनिंग शार्प 7 PM इन आवर IR शो. और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, दैट इज नाटो एंड एशियन नाटो. शी मिलेगा शाम को, आज इसको पूछूंगा मैं, ये जान लो. ठीक है, शाम को, अभी हिंसा नहीं. अभी यार मंदिर वगैरह पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मोनास्ट्री मॉन्क्स के बारे में पढ़ रहे थे. हिंसा नहीं, हिंसा शाम को करेंगे 7 बजे IR शो के अंदर, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दी क्वाड, सॉरी दी एशियन नाटो इन द नेम ऑफ शी भाई साहब, ही क्या क्या जो भी है शी, ठीक है, जिनपिंग, और दी ओरिजिनल वन नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ओके गाइस, सो दैट्स इट विद दिस सेशन. सी यू ऑल शार्प 7 PM, बाय बाय. लेकिन हाँ, जाने से पहले एक चीज बता दूं आपको कि यार प्लीज, ठीक है, 4 दिन में मेरा बर्थडे है, 30,000 सब्सक्राइबर्स अभी भी रुक रहे हैं, है ना, 21 तारीख तक 30,000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं आपको, क्योंकि 1,00,000 होगा तभी सेलिब्रेशन होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे यार, प्लीज कसम खाई है. ठीक है, सो गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, दिस थंब आइकन, नहीं कम पड़ रहा तो बताओ, थंब निकलवा के भेज देता हूं अभी कहीं से भी. और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है. और आपको पता है, जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे, सबसे बेस्ट प्रोमो कोड आपके लिए हमने रखा हुआ है, दैट इज PMUPSC10, एंड दैट सेम माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, PMUPSC10. ओके गाइज, सो सी यू ऑल 7 PM, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़.